कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए आज 50 प्रश्न जीके का हम लोग अभ्यास करते हैं और मेरे साथ जुड़िए 10 से 15 मिनट और 50 प्रश्न आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप सभी इसे बनाने की कोशिश करिए। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो अकबर द्वारा जो है किस वर्ष इबादत खाना का आविष्कार निर्माण करवाया गया था? तो ये निर्माण कराया गया था 1575 में, है ना, 1575 में। अगले बच्चों, तख्त ए अकबरी मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में। अगला छठा नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो वो थे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शालीमार बाग का भी निर्माण कराया गया था, जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था, लाल किला का भी किया गया, लेकिन बुलंद दरवाजा का निर्माण नहीं। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर। वेरी गुड। अगला हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, है ना। अगला क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही जिसका अर्थ है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह स्थापना की गई थी बच्चों अकबर के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन आ जाओ, तुलुगमा क्या है? तुलुगमा क्या है? ये तुलुगमा जो है ये बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति था, है ना, सैन्य रणनीति था। अगला देखो क्या करा है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो ताजमहल की सजावट के लिए बच्चों पिएट्रा ड्यूरा, कौन सा तकनीक? पिएट्रा ड्यूरा। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे कौन बच्चों? वो थे बाबर। कौन थे? बाबर। भारतीय संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख, भारतीय संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है बच्चों निर्वाचक मंडल द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा है, इस लाइन को समझना भी चाहिए, याद भी रखना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 74 का एक, अनुच्छेद 74 का एक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति ही ग्रहण करता है और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ही कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इसमें से ये बात सही है। सुचेता कृपलानी जो थी वो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश, यूपी की। अगला है, जैसा कि भारत के संविधान में परिकल्पित है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और
मनोनीत सदस्यों द्वारा। आंसर बिहार होना चाहिए। अगला है बच्चों, किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 35। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें है? तो विवाद जब भी हो जाए तो यह सुलझाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता? तो मिसाइल मैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच बच्चों काला पानी है ना, जिस भूभाग पर चल रहा है उसको क्या नाम से जानते हैं? काला पानी। साल्टोरी कांगरी चोटी, साल्टोरो क्या लिखा है? साल्टोरो कांगरी चोटी, इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो याद रखिए कि ये भारत और पाकिस्तान सीमा पर ही है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी चोटी आपका कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला बच्चों, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों गुरु शिखर, राइट। कौन है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी चोटी। कौन सा? अनाई मुड़ी चोटी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़, पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं, तो बच्चों याद रखना वो कौन सी पहाड़ी में जाके मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी है ना पहाड़ियों में जाके मिलते हैं। अगला है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा जो बच्चों वो भारत और पाकिस्तान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? इसका उच्चतम बिंदु कहलाता है सैडल पिक। किस नाम से जाना जाता है? सैडल पिक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1988 में। कब हुई थी? 1988। अगला है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है बच्चों वो कौन सा है? वो है बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना को विभाजित करती है। दीमक को यह भी कहते हैं, याद रखिएगा दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत चींटी भी कहते हैं, है ना। जुगनू क्या है? तो याद रखिएगा जुगनू एक क्या है? कीट है। जुगनू क्या है बच्चों? एक कीट है। अगला है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उपपरजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरजीविता, उपपरजीविता। निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? खटमल कीट ही है, घरेलू मक्खी भी कीट है, मच्छर भी कीट है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं। एक्चुअली कीट में साधारणतः 6 टांगे होती हैं, नहीं, और मकड़ी में 8 टांगे होती हैं। कीट जो कहलाते हैं उसमें मुख्य रूप से विशेषता यही है कि उसको 6 पैर होते हैं, 6 लेग है ना। मकड़ी कीट से भिन्न होती है बिल्कुल, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे, जबकि कीट में पाई जाती है 6 टांगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये रेशा कहलाता है गोसामर। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है बच्चों गोसामर रेशम। अगला है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो याद रखिएगा प्यूपा। कौन सा? प्यूपा, कोशित। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशित। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है बच्चों वो कौन सा? मिथेन। मिथेन गैस का यूज करते हैं, राइट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो कौन सा गैस? मिथेन। अगला है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है?
तो याद रखिएगा बायोगैस है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस जो बना होता है उसमें सबसे मेन क्या चीज़, सॉरी मीथेन ना बच्चों, मीथेन ना, ए नंबर होना चाहिए। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? दैट इज मीथेन। अगला है गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या मिलता है हमें? मीथेन ही मिलता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन मिलता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो याद रखिएगा किण्वन प्रक्रिया होता है। कौन सा प्रक्रिया होता है? किण्वन। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जो किया था वो किया था एसवी देसाई ने। कौन किया था? एसवी देसाई। यहाँ पे नाम ये देखिएगा थोड़ा गलत है, याद रखिएगा किसने किया था? एसवी देसाई ने, है ना। सी। अगला है धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सा है? तो धान के खेत से भी जो गैस निकलता है बच्चों वो कौन सा निकलता है? मीथेन निकलता है, राइट। तो बच्चों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के पूछे गए सभी प्रश्न, और एग्जाम के पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को याद रखना चाहिए। तो लगातार बच्चे आप जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।